श्री राम सेवा समिति द्वारा एकादशी उद्यापन का भव्य कार्यक्रम प्रभु के जयकारों से गूंज उठा श्री दुर्गा पार। आज श्री राम सेवा समिति के द्वारा सामूहिक एकादशी उद्यापन किया गया, जिसमें 70 जोड़ों ने एकादशी उद्यापन में भाग लिया। श्री राम सेवा समिति द्वारा एकादशी उद्यापन गरीब असहाय एवं उन लोग जिनके घर किसी कारण से एकादशी उद्यापन नहीं हो पाता है, उन सभी के लिए यह कार्यक्रम आयोजित किया जाता है। आज एकादशी उद्यापन के अंतर्गत हमारी कथाओं का श्रवण चल रहा है, भजन कीर्तन चल रहा है। आप देख सकते हैं ये 70 जोड़े कितने भक्ति भाव से और कितना थैंकफुल होकर अपने इस कार्य को कर रहे हैं। मुझे बड़ा गर्व हो रहा है कि जो दुर्गा पार्क है आज ऐसी भक्ति में हो चुकी है कि इस भक्ति के सरोवर में हर व्यक्ति आनंदित हो रहा है, मंत्रमुग्ध हो रहा है। आज श्री राम सेवा समिति द्वारा सामूहिक एकादशी उद्यापन का कार्यक्रम है, जिसमें लगभग 71 जोड़ों ने भाग लिया है। और आज का जो कार्यक्रम देख के जो ये जो पंडाल है हमारा, तो ये आज वृंदावन में हो गया है और इसको देख के बड़ी खुशी का अवतरण हो रहा है और समाज में एक बहुत अच्छा संदेश भी जा रहा है कि आज श्री राम सेवा समिति ऐसे धार्मिक कार्य करा रही है। और आज हमारे जो माननीय जेल मंत्री जी धर्मेंद्र प्रजापति जी जो आज आ रहे हैं, लगभग उनका टाइम 2 से 3 बजे के बीच का है, वो भी आ रहे हैं, उनका सम्मान होगा। इस उद्यापन से संदेश एक ही जाएगा श्री राम सेवा समिति से कि जो भी परिवार एकादशी उद्यापन नहीं करा पाते हैं, वो उनका जिन पर पैसा भी नहीं है, असहाय भी है, तो उनका एकादशी उद्यापन श्री राम सेवा समिति कराएगी। धन्यवाद।